नमस्कार दोस्तों, गृह विभाग ने कोविड 19 को लेकर आज एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है, जिसमें जन अनुशासन पखवाड़ा संबंधित विभागीय आदेश 18 अप्रैल 2021 के क्रम में निम्नानुसार अतिरिक्त दिशा निर्देश यहां पर जारी किए हैं। साथ ही मैं दोस्तों राजस्थान की जनता से गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने घरों में रहें और तभी ही बाहर निकलें जब कोई अति आवश्यक काम हो, अन्यथा घर के बाहर ना निकलें। दोस्तों कोविड 19 से प्रतिदिन मृतकों एवं संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में इस महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ना अति आवश्यक है, अतः सख्त कदम उठाने की यहाँ पर आवश्यकता है। इसी क्रम में यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर एक है कि बिंदु संख्या एक में वर्णित विभागों के साथ वन वन्य जीव, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग और DYT को भी सम्मिलित कर अनुमत कार्यालय का समय 4 बजे तक किया जाएगा रखा है। जी हाँ दोस्तों, जो ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस है, जिसमें जो अनुमत ऑफिस है उनके साथ वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन और DYT विभाग को भी यहाँ पर शामिल किया है। साथ ही ऑफिस का टाइम शाम को 4 बजे तक रखा गया है। इसके अलावा कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यालय के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यदि किसी कार्यालय अध्यक्ष को कार्य खुलवाने की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार स्तर से, गृह विभाग एवं जिला स्तर से, जिला कलेक्टर से अनुमति मिलने के पश्चात ही ऐसा कर सकेगा। कर्मचारी को बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी को ध्यान में रखना है। शेष कार्मिक कार्यालय में उपस्थित नहीं होने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु मुख्यालय पर रहेंगे और घर से काम करेंगे। कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक को कोविड पॉजिटिव होने के लिए उस कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए यहाँ पर बंद किया जाएगा। आधार और ई मित्र जो केंद्र है वो खोलने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। साथ ही बिंदु संख्या 17 में बैंक, बीमा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की सेवाएं 10 बजे से 2 बजे तक चालू रहेगी और जहां तक संभव हो उक्त संस्थाओं द्वारा कम से कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाए। साथ ही बाजारों में किस प्रकार से अनुमति दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाजारों में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा रिटेल दुकानें जो है सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। पशु चारा से संबंधित खुदरा और होलसेल की जो दुकानें हैं वो सोमवार से शुक्रवार 6 बजे से 11 बजे तक। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें या परिसर सोमवार से गुरुवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और साय 5 बजे से 7 बजे तक। मंडियां, फल सब्जी और फूल मालाएं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से लेकर 11 बजे तक। सब्जियां, फलों के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुले रहेंगे। बाजारों में टेबल क्रम संख्या 4, 5, 6 को छोड़कर शनिवार और रविवार को पूर्णतः यहाँ पर बंद रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सख्ती यहाँ पर की जा रही है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप घरों में ही रहे और इस महामारी से अपन ताकि ज्यादा से ज्यादा मुकाबला कर सके और इसको फैलने से रोका जा सके। साथ ही यहाँ पर परामर्श दिया जाता है सभी को कि जहां तक संभव हो बाजारों में खरीदारी हेतु दुपहिया वाहन एवं चौपहिया वाहन का प्रयोग न करें एवं नजदीकी दुकान से ही पैदल या साइकिल एवं सार्वजनिक परिवहन साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा प्रयोग करते हुए खरीदारी करें, जिससे कि बाजारों में भीड़ भाड़ ना हो। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट व्यापारिक संगठनों से वार्ता कर भीड़ को नियंत्रण करने का निर्णय यहाँ पर ले सकते हैं। बिंदु संख्या 20 में प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी और रेस्टोरेंट इत्यादि को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमत रहेगी। निर्माण कार्यों के से संबंधित जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खोलने की अनुमति नहीं होगी। दिनांक 18 अप्रैल 2021 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मॉल के आवागमन हेतु छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी। पशु चिकित्सालय एवं उससे संबंधित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक स्टाफ, पशु चिकित्सा सेवाएं एवं VP लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि अनुमत रहेंगे। तो दोस्तों शादी के समारोह में 50 आदमियों की अनुमति दी गई है और कार्यक्रम को 3 घंटे के लिए अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। शादी समारोह से संबंधित पूर्व में कपड़े, सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी। निजी यात्री वाहन
केवल इमरजेंसी और अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50% बैठक क्षमता के साथ ही अनुमत होंगे। समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी। इसके अलावा यह आदेश सोमवार दिनांक 26 अप्रैल 2021 प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा। निजी बसें अपनी बैठक क्षमता का 50% तक अनुमत रहेंगे। इसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। साथ ही समस्त जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त द्वारा नो मास्क नो मूवमेंट की सख्ती से यहाँ पर पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर यह जो आदेश है वो 25 अप्रैल 2021 को प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जारी समय समय पर आदेश जो जारी किए जाते हैं उनका पालन करें, अपने घरों में ही रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब या सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।